जरा सोचिए, गर्मी में कोई हाथ में ठंडा ठंडा फलों के रस का ग्लास थमा दे तो वाह क्या बात है, सेहतमंद भी और दूसरे कूल ड्रिंक से बेहतर भी। यह ठेले गाड़ियों पर बड़े सस्ते दामों पर मिलती है, परंतु इनसे ग्राहकों को सेहत खराब होने का डर भी लगा रहता है। अगर कोई शक हो गया तो वह पीने से हिचकिचाएगा। क्या आप जानते हैं यह फ्रूट जूस सेहत को खराब भी कर सकता है? कई जतन करने पर भी जाने अनजाने ये रस सेहत के लिए खतरा बन सकता है, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के कारण। कुछ समय पहले राष्ट्रीय पोषण संस्थान में इन रसों का जांच हुआ। यहाँ यह पता चला कि इन रसों में आंखों को नहीं दिखलाई देने वाली बैक्टीरिया होते हैं, जिसके कारण ग्राहकों को उल्टियां, दस्त, पेट का दर्द या अन्य बीमारियां हो सकती है। अब सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो आपकी कमाई पर कैसा असर होगा? जांच पड़ताल करने पर यह पता चला कि आप लोगों की 3 आदतें इन रसों को हानिकारक बना सकती हैं। इन्हें बदलना होगा, इसी में आपकी भलाई है। पहला, ये कटे हुए फलों के टुकड़े खुले छोड़े जाते हैं। कटे हुए सपोटे या चीकू के टुकड़े, मौसमी, पाइनएप्पल या अनन्नास को ढका नहीं जाता। दूसरा, अलग अलग फलों के लिए जो आप अलग अलग जार उपयोग करते हैं वह अच्छी बात है, लेकिन उपयोग करने के बाद कुछ कुछ समय पर उसे साफ रखने के लिए धोते रहना चाहिए। तीसरा, ये चाकू छुरी और तख्ते जिस पर आप सब्जियां काटते हैं इनमें भी खतरनाक बैक्टीरिया छिपे होते हैं। अब आप इन 3 कारणों को जान गए, खुले में छोड़े गए फल, बिना साफ की गई मशीनें या जार, गंदे चाकू और तख्ता। चलिए अब हम सावधानियों पर ध्यान दें। कटे हुए फलों को अच्छी तरह ढक लें, मक्खी और अन्य कीड़ों से बचाएं। जूस बनाने के बाद तुरंत इन मशीनों या जार को अच्छी तरह धो ले, बैक्टीरिया का नाश करें। इन चाकू छुरी और तख्ता को भी अच्छी तरह से रगड़ कर साफ कर ले, मल मल कर छुपी हुई गंदगी निकालना जरूरी है। केवल इन 3 सावधानियों पर ध्यान दीजिए, इसमें कोई पैसा रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ सब्र, कुछ समय। ऐसा करने से आपका फ्रूट जूस स्वादिष्ट भी रहेगा और स्वच्छ भी। ग्राहक भी खुश और हम सब खुश, क्यों सही कही ना।